उत्तर प्रदेश के जिला बागपत की जेल में बंद मुन्ना बजरंगी को 10 ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। इस कांड के बाद से जिला प्रशासन से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई, कैसे जेल अधिकारियों के होते हुए पूर्वांचल के कुख्यात बदमाश को गोली मार दी गई। तो वहीं अब यूपी के देवरिया के जेल में बंद अतीक अहमद के नाम से सपा नेता से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का ऑडियो वायरल हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो ऑडियो वायरल हुआ है वो आवाज अतीक अहमद की है या नहीं है उसकी पुष्टि एसपीएन 9 न्यूज नहीं करता है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि आवाज अतीक अहमद की ही है और जिस सपा नेता से रंगदारी मांगी जा रही है उसका नाम आसिफ सिद्दीकी बताया जा रहा है। जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ सुना जा रहा है कि अतीक अहमद उस सपा के नेता के हाथ पैर तोड़ने की बात कर रहा है और 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग रहा है और चुनाव को लेकर ही कुछ बातें कर रहा है और कुछ भद्दी भद्दियां गाली दे रहा है जिसको बीप कर दिया गया है। आपको बता दें हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेलों में जाँच के लिए अधिकारियों को आदेश दिया था, तो वहीं इस जाँच में अतीक अहमद की बैरक में 2 सिम कार्ड और 2 पेन ड्राइव मिले हैं, जिसके बाद से ये मामला और गर्मा गया है। एसपी 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।